इमली आज चुलबुल का बर्थडे है और उसे याद ही नहीं है। चलो उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। यस वीर, चुलबुल भी सरप्राइज पार्टी देख के खुश हो जाएगा। ये दोनों बात करते करते अचानक चुप क्यों हो गए और छत पे क्यों चले गए? मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि ये मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या हुआ चुलबुल? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम लोग बातें करो और मैं सुनूंगा कि तुम क्या बातें कर रहे हो। इमली लगता है उसे शक हो गया है कि हम कुछ छुपा रहे हैं। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पहले तो शक था लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया है, वो मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। जिंटू, वीर इमली मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ऐसी सुनने की शक्ति दो कि मैं दूर दूर की बातें सुन सकूं। मेरे सुनने की शक्ति 100 गुना बढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं, 1000 गुना बढ़ा दो। मैं यहीं खड़े खड़े सब सुन लूंगा वो क्या बात कर रहे हैं। ओके चुलबुल, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बस करो, जादू वापस ले लो, मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। अरे इतनी सारी आवाजों में वीर और इमली की आवाज कहाँ दब गई पता ही नहीं चल रहा है। जिंटू, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं सिर्फ इमली और वीर की ही बात सुन सकूं और उनको पता भी ना चले। ये लो, ये है इनविजिबल शॉल, इसको ओढ़ लोगे तो वीर तुमको देख नहीं पाएगा, तुम उनके पास ही बैठ के पूरी बात सुन सकते हो। ओह थैंक यू जिंटू। मैंने केक और स्वीट्स का ऑर्डर कर दिया है। चुलबुल के लिए खास तौर से कैरेट फ्लेवर का केक बनवाया है। वाव, कैरेट फ्लेवर, चुलबुल तो बहुत खुश हो जाएगा। अब बात करो, कितना करना है करो, सब सुन लूंगा मैं। चुलबुल कहाँ से चिल्ला रहा है? वीर, बचाओ, बचाओ, हेल्प! चुलबुल मैं आ रहा हूँ। स्लाइडिंग व्हील ऑन। स्लाइडिंग व्हील ऑन। चुलबुल तुम यहाँ कैसे अटक गए? अरे पहले छुड़ा तो लो, फिर बात करना। तुम ठीक तो हो ना? तुम ट्रक के पीछे क्यों लटके हुए थे? मैं लटका हुआ नहीं, अटका हुआ था। मेरी बात छोड़ो, तुम लोग अपनी बात बताओ, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? अरे तुमसे क्या छुपाना है चुलबुल, हम तो होमवर्क की बातें कर रहे हैं। फिर भाग गए ये लोग, मैं भी पता करके ही रहूंगा कि ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अब बचा है डेकोरेशन और लोकेशन, पार्टी कहाँ दी जाए और डेकोरेशन कैसा होगा? डेकोरेशन का काम चिंटू को दे देते हैं। अच्छा आइडिया है। जिंटू, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, कुछ ऐसा करो कि मैं वीर और इमली की बात सुन सकूं और उन्हें पता भी ना चले। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये लो, ये फ्लाइंग कारपेट है, जहाँ वीर इमली बात कर रहे हो वहाँ तुम उनके ऊपर उड़ते हुए उनकी सारी बातें सुन लेना। ओके थैंक्स। ये कारपेट स्पेशल है, जो इस पे बैठता है ये उसको प्रोटेक्ट भी करती है, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये वीर का घर है। हाँ, क्या लाए हो? मैं अल्फा बेकरी से आया हूँ, ये उसका ऑर्डर है। लाओ दे दो, मैं वीर को दे दूंगा। मैं भी तो देखूं इसमें क्या है। मैं वीर को बुला के लाता हूँ। तो ये मेरे बिना अकेले अकेले पार्टी करना चाह रहे हैं? कल तक मैं इनका अपना था, आज गैर हो गया, अब ये सब मैं खाऊंगा, इन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। या। या।
सब सामान का बैग तो यही था चुलबुल के हाथ में। ओफो, उसके हाथ में क्यों दिया? वो सुबह से ही नाराज है, अब और नाराज हो जाएगा। चलो उसे ढूंढते हैं। हाय चुलबुल, मेरा नाम गोटिया है, ये है मेरा दोस्त बंदा, ये अपोरी और वो टपोरी। हाय, तुम लोग मेरा नाम जानते हो? हम तुम्हारा घर भी जानते हैं। दिखाओ इस बैग में क्या लेके जा रहे हो। हमें भी बड़ी भूख लगी है। ये मेरा है, इसे मैं खाऊंगा। हम तुम्हें खाने देंगे तभी खाओगे ना। बदमाशों की इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त को मार रहे हैं। मैं अभी उसे कुंग फू एक्सपर्ट बना देता हूँ। बस का नहीं है। खाना चाहते थे लेकिन अब ये सब मैं अकेले खाऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। अब तुम्हें सब बताने का टाइम आ गया है। कैसा सच? आंख बंद करो, मैं बताता हूँ। Thank you.
आंखें खोलो चुलबुल। ये सब क्या है वीर? आज मेरा जन्मदिन है, मुझे तो याद भी नहीं था। और तुम लोग मेरे लिए सरप्राइज पार्टी करना चाह रहे थे और मैं तुम पे ही शक कर रहा था। मैं बहुत ही खराब हूँ, तुम कितने अच्छे दोस्त हो वीर। मुझे माफ कर दो वीर, मुझे माफ कर दो। अब रोना धोना छोड़ो और केक काटो, देखो सब इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चिल्ड्रन। ये लो खाओ। वीर वीर बचाओ वीर। वीर मैं भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगा, देखना मैं सबसे ज्यादा दूध पीकर फर्स्ट आऊंगा। नहीं जिंटू, तुम एक जिन हो, तुम जादू से जीत जाओगे। कोई नॉर्मल बच्चा तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम मुझे किसी भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेने देते। भाइयों बहनों, हमारा नाम है क्रोधी पहलवान। हमारी डेयरी में ये कंपटीशन यह ले रखा गया है कि बच्चों को दूध पिए की आदत पड़ जाए। जौन बच्चा सबसे ज्यादा दूध पिएगा वह फर्स्ट आएगा। चलो भाई चलो, मुकाबला शुरू करता हूँ। बस बस बिटुआ, हमार सब दूध खत्म हो गया, हम तुमका फर्स्ट प्राइज। एक मिनट सर, ये कॉम्पिटिशन फुर्सतगंज के बच्चों के लिए है। फर्स्ट प्राइज बंटी को मिलना चाहिए क्योंकि ये लड़का फुर्सतगंज का नहीं है। मेरा नाम पिंटू है। मैं फर्स्ट आया हूँ। देखो भाई, कहे कि पिंटू जो उन्हें फुर्सतगंज का नहीं है, इसे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम इसे एक प्राइज तो दे ही देंगे। ये ट्रॉफी है ये बचवा पिंटू के लिए, और ये कंपटीशन में फर्स्ट आया है बंटी। ये मैं जीत गया। अभी सूत्रों से पता चला है कि फुर्सतगंज में रोज हर तबेले से भैंसे चोरी हो रही हैं। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है। अब सिर्फ न्यू डेयरी में ही भैंसे बची हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत सारे पहलवान कर रहे हैं। लोगों ने रोबो बॉय से अपील की है कि इस चोर को पकड़ें। रोबो बॉय, अगर तुम ये न्यूज देख रहे हो तो प्लीज हेल्प। दादाजी हमें उस चोर को पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? जिंटू है ना, दूध से भरा हुआ पूरी डेयरी, इसे कहो जादू से भैंस बन के खड़े हो जाए। जब चोर इसे ले जाएंगे तो ये सब कुछ देख के हमें भुला लेगा। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। चलो जिंटू, एक मोटी तगड़ी भैंस बन जाओ ताकि चोर तुम्हें चोरी करके ले जाए। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। वाह वाह, थोड़ी चाट खा लूं पहले। अरे ये सब क्या हो रहा भाई? इस भैंस को चाट खाने का शौक है।
देखो कैसे खा रही है। एकदम चटोरी लागत है, एक के नाम जो ना चटोरी रख दे। भूल गया। ये चिंटू कहाँ गया? लगता है उसे चोर ले गया। अब क्या करें? उसका पता कैसे करें? कहीं उसकी याददाश्त तो गुम नहीं हो गई? मुझे जिंटू पे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी टेल पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। चलो उसे ट्रैक करते हैं। मुझे पहले से ही शक था कि चोर यही होगा, क्योंकि सिर्फ इसकी भैंस ही चोरी नहीं हो रही है। तुम दोनों यही रुको, मैं जिंटू को ढूंढ के आता हूँ। अरे वाह चटोरी, खाओ खाओ, जितना चाट खाए खो खाए ले। जब तक हम तुम्हारे मालिक है ना, तुमका चाट के कमी ना होई। खाए जाओ खाए जाओ। ये मेरा मालिक कितना अच्छा है, यम्मी क्या चाट है। तो पूरे फुर्सतगंज की भैंस तुम चोरी कर रहे हो? ये भैंस मेरी है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। ये कौन लड़का है जो मुझे मेरे मालिक से अलग कर रहा है? शाबाश चटोरी, मारो कमार, बच के जाए ना पावे। जिंटू क्या कर रहे हो? जिंटू रुक जाओ। वीर, जिंटू तुम्हें क्यों मार रहा है? उसके याददाश्त गुम हो गई है। मैं जाके उसके सर पे दो डुलाटी मारूंगा और उसकी याद वापस आ जाएगी। तुम दोनों यही रुको। जिंटू, जिंटू, देखो कौन आया है। बहनों देखो, ये गधा यहाँ कैसे घुस आया? ये और उसका मालिक हमें यहाँ से ले जाना चाहता है। चलो उनको सबक सिखाते हैं। ये मुझे घेर क्यों रही हैं? इनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। बताओ, हे जिंटू, अपने ही दोस्त को पिटवा रहे हो? बताओ। जिंटू के सिर पे तो मैं दुलाटी नहीं मार पाया, लेकिन मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे तमाम दुलाटियां पड़ गई मुझे। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अब रोबो बॉय को ही जाना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वाओ, आ जाओ भाई रोबो बॉय। सुना है कि तुम फुर्सतगंज कर रखवाला हो भाई? सोचा ही रहा था कि तुमसे मुलाकात कब होगी। रोबो बॉय, अरे हमारा नाम क्रोधी पहलवान है। वैसे तो हमको क्रोध आता नहीं है, लेकिन जब हमको क्रोध आ जाता है ना, तो हम जमीन और आसमान हिला डालते हैं। क्यों बचुआ, तुम काहे हमसे उलझ रहे हो भाई? ये तुम्हारे खेले कूदे की उम्र है। जाओ बेटा जा। गुस्सा मुझे भी नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो मैं भी जमीन आसमान हिला देता हूँ। मालिक खतरे में है। वीर, चिंटू आ रहा है, उसकी सर पे मारो, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ।
जिंटू के सर पे लग रही है, फिर भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही है। उसके सिर पे नहीं, सिंगों पे लग रही है। वीर, उसके दोनों सिंगों के बीच मारो, तभी उसकी याददाश्त वापस आएगी। ओके इमली। दादाजी, जल्दी से पुलिस को लेकर नई डेयरी आ जाइए। बंदूक छोड़ के आम फेंक फेंक के काहे मार रहा है, समझ में नहीं आ रहा इसको क्या हो गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी का जादू है जिंटू, इनको ये सब भुला दो, उन्हें ये याद नहीं रहना चाहिए कि उनकी चटोरी लड़का बन गई। ए रोबो बॉय, हमार चटोरी कहाँ गई? चटोरी तो चाट खाने भाग गई। अब तुम लोग भी जेल जाके चाट खाओ। अभी अभी रोबो बॉय ने भैंसों के चोरों को पकड़वा दिया है। रोबो बॉय ना होता तो पता नहीं हमारा क्या।